मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया हूँ। मैं इस जामे मस्जिद चकचन के नायब इमाम हूँ। मेरे बड़े भाई इस मस्जिद के खतीब हैं। हम 400 साल से हमारा आबा अजदाद इस मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं। ये जामे मस्जिद चकचन जो कि मुबलिग इस्लाम जो अमीर कबीर सैयद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह जो हमदान ईरान के रहने वाले थे, वो बादशाह का बेटा था, हाफिज़ कुरान थे। उसने अपनी बादशाहत को छोड़कर अल्लाह की राह में तबलीग के सिलसिले में वहाँ से कश्मीर तशरीफ लाया, तो कश्मीर से ये संगलाह पहाड़ों से बल्तिस्तान तशरीफ लाया। तकरीबन 750 साल कबल 783 हिजरी की बात है। उस वक्त पूरे बल्तिस्तान बुद्धिस्ट थे, बुद्धमत थे। तारीख में लिखा हो यहाँ बुद्धिस्ट के एक टेंपल बना हुआ था। उस टेंपल के ऊपर उन्होंने लोहे के गोरा बना हुआ था, उसको वो लोग पूजा करते थे बुद्धिस्ट के लोग। जब मुबलिग इस्लाम जो अमीर कबीर सैयद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ़ लाया तो उनके साथ मुबासा मुकलमा हुआ, तो उन्होंने कहा कि आप लोग कलमा पढ़ें। तो बुद्धिस्ट के पेशवा ने कहा हमें कोई मौजदा करामात दिखाए तो हम कलमा पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने एक मेटल का एक गोरा बना हुआ है, उसको लोहा ला के आग की तरह गर्म कर देंगे। अगर आपके दीन इस्लाम में कलमे में कुछ ताकत है तो वो गर्म वाले गोरे के ऊपर सवार हो के फिज़ा में इस खबूल को राउंड कर दें, चक्कर मारें। तो वह अल्लाह के वली अल्लाह के हुक्म से बिस्मिल्लाह पढ़ के वो गर्म वाले गोरे के ऊपर सवार हो के फिज़ा में राउंड करके जब यहाँ तशरीफ़ लाया तो बुद्धिस्ट के जो पेशवा थे उसको लमा कहते थे, वो जादू करते थे, वो टोना करते थे, वो आसमान की तरफ उड़ने लगा। तो अमीर कबीर सैयद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जूते को आसमान की तरह छोड़ा तो उसके सर पर मारते हुए उसको वापस लाया। लाने के बाद उन्होंने कलमा पढ़ी। कलमा पढ़ने के बाद इस मस्जिद के संग बुनियाद रखी, इसका नाम रखा है शेख चंद। ये मीनार भी उसी ज़माने का है, इसको हम रेनोवेट करते रहते हैं। ये इसी के साथ ये स्ट्रक्चर भी उसी ज़माने का है लेकिन इनको रेनोवेट करते रहते हैं। ये सारे अखरोट और शहतूत के लकड़ी से बना हुआ है। कश्मीर और तिब्बत की कारीगर थे, उन्होंने इस मस्जिद को तामीर की। तो ये सारे नक्श देने वाले उस वक्त इतने औजार भी नहीं थे, इतने मुआशियत भी नहीं थे, इतने पब्लिक भी नहीं थे, इसके बावजूद ये अल्लाह के वलियों ने इस पहाड़ी इलाके में एक तारीखी मस्जिद तामीर की। ये सारे लकड़ के बने हुए हैं। कारगिल युल पुल तबला बेला कारगिल युल पो इस्लाम बियारिया कारगिल। ये मौजदा करामत वाली ये मस्जिद है, तो इसमें कोई भी डिफेक्ट हो यहाँ दुआ के लिए लोग आते हैं तो इंशाल्लाह उसके हाजत भी पूरी हो जाती है। जो नक्श निगारी है इसमें बहुत से रमूज हैं, किसी में या अल्लाह है, किसी में या मोहम्मद है, तो मुख्तलिफ किस्में ला इलाहा है। तो इनको ये बीच में जो बनाए हैं इनको खतुनबान कहते थे, उसी ज़माने से अभी भी इनका नाम है खतुनबान। ये जल्दी लगा हुआ है, इसको जस्टिस कहते हैं। ये जब इधर कस्मिंग होते थे दो अमीर कबीर सैयद हमदानी के दौर में तो ये हाथ से थाम लेते थे, लेने के बाद जामे मस्जिद चकचन की कसम खाते तो उस वक्त फैसला हो जाता है। ये जंजीर है उसी ज़माने का, ये मौजदा करामत वाली जंजीर है, इसको हाथ से थाम लेकर कस्में खाना डरते हैं लोग। तो ये है कस्में खाने के लिए, ये चीफ जस्टिस है यहाँ के। तो ये है इस मस्जिद की जो असल मेन जगह, तो ये मौजदा करामत वाली मस्जिद है। तो इसमें ये चार चीज़ है, इसको कंदील कहते हैं। इस कंदील में जो पुराने ज़बान में शब कद्र के दिनों में मखसूस दिनों में इसको खुबानी का तेल डाल के कपास का पत्ती बना के इसको जलाते थे। तो इसी के साथ इधर एक मेहराब है, इस मेहराब का भी जो उसी ज़माने में बनाया है तो ये छोटे छोटे लकड़ी से टुकड़ों से बना हुआ है। तो ये मौजदा करामत वाली एक मस्जिद है। तो इसमें ये कुर्सी है, इस पर खुतबा होते हैं, इसमें जुमा जमात के खुतबा देते हैं। और ये इसको असा कहते हैं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा देते थे मेहराब पे जाके तो ये असा लेके खुतबा देते थे। तो अमीर कबीर सैयद हमदानी रहमतुल्लाह ने अपने दौर में इस असा को लेकर आया, तो ये अभी तक इसी मस्जिद में इसको रखा हुआ है। तो इसी के साथ इस मस्जिद के रंग रोगन के साथ और मौजदा करामत के साथ इसकी चार सुतून है, ये भी एक अखरोट के लकड़ी से बना हुआ है। ये और इधर
मासूस दिनों में इधर दिया भी जलाते हैं जो अपने बरस को निकलने के लिए खुबानी का तेल डाल के कपास का बत्ती बना के इसको जलाते थे, तो कोई भी मसला हो तो यहाँ दुआ के गाते हैं। ये जानिमास आपको डिफेक्ट नज़र आते हैं, इसलिए डिफेक्ट नज़र आते हैं, लोग अपने तरफ से मन के छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए ये जानिमास आपको डिफेक्ट नज़र आते हैं। करगिल युल पोइसिलम प्यारियाँ करगिल ना बाबा से ना घर मंगी जा घर मंगे युल पोला तबलिया प्यारियाँ अल्लाह घर मंगे युल पोइसिलम प्यारियाँ अल्लाह ले दाम ना बाबा से ना करगिल हो जा करगिल युल पोला तबलिया प्यारियाँ करगिल युल पोइसिलम प्यारियाँ करगिल ना बाबा से ना घर मंगी जा घर मंगे युल पोला तबलिया प्यारियाँ अल्लाह घर मंगे युल पोइसिलम प्यारियाँ।